अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सुबह का आगाज़ करते हैं अल्लाह के खूबसूरत नाम के साथ। चबा ने बनाए आज चिप्स, चाट चाट के मत रखा। ये बाकर खानिया खा रहे बिस्किट और ये चाय भाई, और ये सब कुछ है। और हम लोग खा लें, नाश्ता कर लें, फिर आपसे मुलाकात करते। चिप्स भी खाओ। मैं इधर देखो, बोलो आमीन। तो जी व्यूअर्स, तिलावत भी हम लोगों ने सुन ली है, नमाज भी पढ़ ली। उसके बाद बच्चों ने भी आज बहुत दुआ की, जैसा कि आपने देखा। आज मैं छत पे नहीं गई क्योंकि हम लोगों को जाना था मजलिस में, तो फिर इस वजह से टाइमिंग बहुत शॉर्ट हो जाती है, दिन का पता ही नहीं चलता घर की मसरूफियात में। तो जल्दी से घर का काम कर लिया, नाश्ता कर लिया, अब जाते हैं मजलिस पे। बच्चे तैयार हो गए हैं, मैं तैयार हो गई हूँ। सबा ने चेंज करना है और फवाद जो है वो भी चेंज करने के लिए गया हुआ है, तो इंशाल्लाह आपको जो है वहाँ जाके फिर मैं ज़्यारत करवाती हूँ। हाँ जी, तो ये फवाद साहब भी तैयार हो गए हैं। फवाद रेडी हो बिल्कुल? अस्सलाम वालेकुम। मायमा को तो देखें माशाल्लाह कैसे पीली हुई हुई हो। मेरा अजान तो है ही खूबसूरत, हसीन तरीन, पर ओवर बहुत हो जाता है कभी कभी। और यहाँ ये हम सब तैयार हो चुके हैं निकलने के लिए। बहुत टाइम हो जाता है बच्चों को तैयार करते, अपनी तैयारी करते हुए, तो निकलते हैं। और ये जो आपको एक लेडी नज़र आ रही है सामने, ये सबा की सिस्टर है और मेरी फ्रेंड है, तो आज ये आई हुई है हमारे साथ, तो इनके साथ हम जा रहे हैं आज। और सॉरी, इन्हें साथ ले कर जा रहे हैं आज हम, तो निकलते हैं फिर जाके आपको सलाम सजदा करवाते हैं वहाँ। मौला पंचतन पाक आपकी भी दिल की जायज़ हाजातों को कबूल करे और हमारी भी, आमीन। तो आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम बारगाह में, और ये तो मेरा इजहान है, और वो जो सामने बच्चे खड़े हुए हैं वो मेरी बड़ी सिस्टर के दोनों बच्चे हैं, दो बेटियां उनकी माशाल्लाह और एक बेटा उनका। तो अब मछली सुनते हैं और आपको फिर इसके बाद जब ज़ियारत निकलेगी तो आपको फिर मैं इंशाल्लाह ज़ियारत भी करवाऊँगी। बेशक तमाम तर हम्द सना, तमाम तर तारीफें
उस पाक परवरदिगार आदम के लिए जो लाए के हमदो सनाए दो जहां है, और बादस हमदो सनाए पाक परवरदिगार कायनात के तमाम तर दुरूद और सलाम ज़ेबा है सरकार मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुमले आपके हवाले किए जाए और मौला की बारगाह में सलामी पेश करके बीबी को पुरसा देके आपकी ज़हमतों को तमाम किया जाए। अब एक मिनट अपने बच्चों को खामोश करवाइएगा और सब अपनी अपनी तवज्जा में तरफ रखिएगा। जिब्राइल जिसका झूला झुलाए, जिब्राइल जिसका झूला झुलाए उसे हुसैन कहते हैं, हुसैन जिसका झूला झुलाए उसे अब्बास कहते हैं। आप सलामत रहे। मौला कोई मौका दे उठने वाले हाथों को। दुनिया में अल्लाह ने सलाम भेजा, मौला आए दुनिया में रसूल ने सलाम भेजा, शहजादी आई दुनिया में रसूल ने सलाम भेजा, हसन कहते हैं और तीरे बना जिसके बना में हो उसे अब्बास कहते हैं। तीरे बना जिसकी पनाह में हो उसे अब्बास कहते हैं। रोंगटे खड़े होते हैं मौला का नाम सुनकर कि वफादार होने की निशानी है। गाजी का जिक्र सुनता ही वो है जो वफादार होता है। शुक्र है अल्लाह ने हमें अब्बास के सदके में हुसैन का असरदार बनाया है। कत्तार कहते हैं हुसैन जिसे लोरी सुनाए उसे अब्बास कहते हैं। और फिर जन्नत से जिसके लिबास फरिश्ते लेकर आए उसे हुसैन कहते हैं। मलिका जन्नत अपने हाथों से जिसके लिबास सिए उसे अब्बास कहते हैं। मलिका जन्नत जिसका लिबास सिए उसे अब्बास कहते हैं। मुराद की तरफ रुख करके देती है और भैया अली अकबर अली अकबर कासिम ओनो मोहम्मद ओली लाल मर गए अजादारों प्यारा मोहर्रम को अकबर की उजड़ी हुई बारात लेकर खाते शिमा के पुर के पहन कर बिखरा हुआ कुरान मक्कल में छोड़ कर आठ आठ नौ नौ साल की पूरी सैयद जातियों को सजाद कर बनाकर जंगल में एक मर्तबा लेके चला। काफिला दो हिस्सों में हो गया। मर्दों के सर नेजों पर बुलंद हो गए और तेज़ बजावे के ऊंटों पर अज़ादारो अली की बेटी ने हर एक को सवार किया। अज़ादारो एक मतलब सजाद रह गए, फिजा रह गई। सजाद ने कहा आप भी तुझे सजाद सवार कराए। रोगी कभी ना हुसैन तुझे ऐसे कर।